नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन आप जाए। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारी लिए बहुत मायने रखता है। आइए आज की ये अमावस्या व्रत कथा शुरू करते हैं। हरि प्रेमियों, अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक बेटी भी थी। उनकी बेटी समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी, सयानी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती हुई उम्र के साथ गुणों का विकास भी हो रहा था। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी, संस्कारवान थी और गुणवान भी थी, परंतु गरीब होने के कारण ब्राह्मण उसका विवाह नहीं कर पा रहा था। एक दिन की बात है, उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए और साधु महाराज ने उस कन्या के सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कन्या की लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए उस साधु महात्मा ने कहा, इस कन्या के हाथ में विवाह की कोई भी रेखा नहीं है। तब उस ब्राह्मण दंपति ने साधु जी से इसका उपाय पूछा कि मेरी बेटी ऐसा क्या करे, मेरी कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज जी ने कुछ देर सोचते हुए फिर उसके बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके उस ब्राह्मण दंपति को बताया कि वह कुछ ही दूरी पर एक गांव में एक सोना नाम की एक धोबन रहती है और उनके बेटे और बहू साथ में रहते हैं, जो बहुत ही संस्कारवान और संपन्न तथा पतिव्रता पतिप्रायण स्त्री है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह योग बन जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है, नहीं तो नहीं। साधु जी की ये बात सुनकर ब्राह्मण परिवार को कुछ आशा की किरण दिखाई दी और साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले ही दिन कन्या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ और सफाई करके अन्य कार्य करके वापस अपने घर आने लगी। एक दिन की बात है, सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि बहू, तुम तो बहुत ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो यह सोच रही थी कि सुबह सुबह उठकर आप ही सारे काम ख़त्म कर लेती हो, मैं तो बहुत देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की देखरेख करने लगी, निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। कई दिनों के बाद धोबन ने कहा, देखा कि एक कन्या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय मुँह अंधेरे मुँह ढककर घर में आती है और सारे काम करने के बाद फिर चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन ने उसके पैरों पर गिर पड़ी और उस कन्या से पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की सारे काम की क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबन को बता दी। सोना धोबन बहुत ही पतिप्रायण और पतिव्रता और स्त्री थी, अतः उसमें बहुत तेज था और वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति बीमार से रहते थे, उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने के लिए कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगा दिया, सोना धोबन का पति उसी समय मर गया। उसे इस बात का पता चल गया, वह घर से निर्जल ही चली थी।
पानी नहीं पिया था। यह सोच कर कि रास्ते में कहीं भी पीपल का पेड़ जहाँ भी मिलेगा तो वह उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके तब ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या भी थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए और पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर ली और उसके बाद फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति का मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। हरि प्रेमियों, आपको यह अमावस्या की कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद हरि प्रेमियों।